गुच्छा हो गया कबीर, तोड़ो इसको बस। गोल्ड का मग मिला है। तो गाइस हम बस पहुंच ही गए हैं। पैकेट ड्रेस वही जो हम बोलते हैं। ये देखिए गाइस, कैन यू इमेजिन कि मुझे गोल्ड का कप मिला है। ये गोल्ड का कप नहीं है, ये बस गोल्ड पेंटेड कप है जो कि मुझे कॉफ़ी के साथ एक फ्री मिला है। कौन सा ब्रांड है वो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ब्रांड ने मुझे पे नहीं किया है, तो इसलिए अभी फ़िलहाल मैं बस ये आपको शो कर रही थी क्योंकि बहुत अच्छा लगा था मुझे ये मग। और आप भी अगर आप लोगों को पता हो कौन से ब्रांड का तो आप ले सकते हैं, बट इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत लाइट वेट भी है, हैवी नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो इसलिए मैंने ये एक और मंगाया है, ऑर्डर कर दिया है ये, तो एक ही आ चुका है। कबीर जल्दी आओ, आपके बाहर जाना है। हेलो, वेलकम टू माय चैनल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये मेरा दूसरा व्लॉग शुरू हो चुका है। अभी हम जा रहे हैं कबीर के लिए स्कूल की बुक्स लेने के लिए जो कि है फर्स्ट क्लास की। फर्स्ट क्लास में चला गया कबीर तो इसलिए न्यू बुक्स मिलेगी आज उसकी। तो अभी हम कबीर छपरी या टापरी इधर आओ, मैं ठीक कर रही हूँ, दिखाओ हो गया, इधर दिखाओ, हाँ हो गया, देखो लसन मीनार, इसको भी बंद करो। बताओ आप कहाँ जा रहे हो? लसन मीनार। बस लसन मीनार। बताओ कहाँ जा रहे हो आप? बुक लेने फर्स्ट क्लास की। यस कबीर कहाँ जा रहे हो आप? गुच्छा हो गया कबीर, गुच्छा क्यों हो गए? कहाँ जा रहे हो कबीर? मोए 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 जा रहे हो? हाँ। इधर देखो, कर रहे हो ये? दिखाओ मुझे जरा, ये मैगी बना रहे हो कबीर? पहुंचा दो। क्या कर रहे हो? मैं बना रहा हूँ नूडल्स। ये नूडल्स है? ऐसे नूडल्स होते हैं क्या? हाँ मैंने लेके बना बना रहा हूँ। तो इसको खाओगे भी आप फिर? हाँ। चल बन चुका। ए लग जाएगी मुंह में, लगी। लग गई। और करो शैतानी। A few moments later. चलो पापा चले। ये मेरा गला कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। तो हम यहाँ पर घर से निकल चुके हैं फाइनली कबीर की बुक्स लेने के लिए। और रात का टाइम इतना अच्छा लगता है ना घर से बाहर निकलना क्योंकि हर तरफ लाइट्स होती है, बहुत अच्छा लगता है। और अभी फ़िलहाल जो मौसम चल रहा है वो तो ऑसम है। उधर से ही ट्रैफिक निकाले जा रहे हैं सारा, इधर से निकाल ही नहीं रहे। ये देखो गाइस मेरे घर के पास की मार्केट। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं दुकान पर और यहाँ पर भैया को मैंने बोल दिया है कबीर की बुक्स निकालने के लिए, तो वो निकाल रहे हैं। अभी नहीं, अभी स्कूल में जो सबमिट करना है वो देखेंगे। अरे बाप रे कितना भारी है, इसमें सब कुछ है ना भैया, चेक करके रखा है ना, अगर कुछ मिसिंग हुआ तो ले लो। ठीक है बस तब चार बार चेक करते बाकी होना नहीं चाहिए। ठीक है अगर कुछ हुआ तो मैं फिर दोबारा आ जाऊंगी। वैसे तो पूरी ही बुक्स हो गई है और अब हम जा रहे हैं वहाँ घर। बाप रे बहुत भारी है बैग। तो गाइस हम फिर से चल दिए अपने घर की तरफ। की तरफ जा रहे हैं पर की तरफ नहीं जा रहे कभी नहीं, तो फिर से हम चल गए। तो अब हम ये पहुंचने वाले, ये मार्केट है हमारे घर के पास की, थोड़ी सी दिखाऊंगी भी ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी। और हम सब्जी मार्केट, सब्जी पैकेट ड्रेस वही जो हम बोलते हैं ना वही वाले। नहीं मानोगे तो फिर मैं ट्यूशन लगा दूंगी, ठीक है 4 आवर्स का।
देख लो वीडियो में बोला है आपने, नहीं मानोगे तो फिर मैं लगा ही दूंगी। मेरा हाथ देखो गाइस कैसा हो गया, बैग पकड़ के इतना वेट है बैग में, बाप रे। तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे और अब मैं ये वाला अभी वीडियो कंटिन्यू करूंगी नेक्स्ट डे, तो बने रहिएगा इसी वीडियो में। The next day. तो यहाँ पर मैं फेस वॉश कर चुकी हूँ बहुत अच्छे से और मैंने अपना चश्मा भी पहन लिया है और चेंज कर मैंने अच्छे से बालों को कॉम किया और अपनी पोनीटेल बना ली और अब मैं अर्ली मॉर्निंग लूँगी अपना वेट लॉस ड्रिंक जो मैंने शुरू किया है आज से, और इसी में मैं कुछ ऐड करूँगी और उसके बाद मैं गर्म पानी डालूँगी और हनी डालूँगी और उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मैं पीऊँगी इसको। तो जो सीक्रेट इन्ग्रीडियंट है वो मैं बाद में बताऊँगी। वेलकम टू माई चैनल, कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और मैं अपना वेट लॉस ड्रिंक बना चुकी हूँ, तो ये रहा और अभी मैं ये पीऊँगी और उसके बाद एक घंटे बाद मैं कुछ खाऊंगी या कुछ भी पीऊँगी, वो एक घंटे बाद खाऊंगी। मैं तो वो पीना, आपको भी पीना है, आपको मैं वो दूंगी। जो मैं पी रही थी ड्रिंक अपना, मैंने पूरा फिनिश कर दिया है और ये सब मैं यूट्यूब पे जो भी कर रही हूँ वेट लॉस, क्या पता उससे आप लोगों को भी हेल्प हो जाए जो मैं यूज़ कर रही हूँ, और अगर मुझे उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊँगी। और जो मैं ले रही हूँ उससे कोई हार्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही हेल्दी है, बल्कि आपकी बॉडी के लिए वो चीज़ अच्छी ही है। तो मैं जब भी आगे वीडियो में आपको बताऊंगी जो भी थोड़ा बहुत रिज़ल्ट मेरा दिखेगा मुझे, तो मैं फिर आप लोगों को उसके बारे में ज़रूर बताऊंगी और आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अभी मैं मुझे कबीर के स्कूल की जो बुक्स आई है उनको एक बार चेक करना है कि पूरा सेट आया है या नहीं आया है, क्योंकि जो स्कूल का जो शॉप वाले भैया थे उन्होंने पूरा एज इट उसको पैक करके रखा हुआ था, तो एज इट इज़ उन्होंने बोला कि पूरा कंप्लीट है, बट स्टिल मेरे को चेक करना है एक बार, तो चेक करके मैं आपको भी चेक करके दिखाती हूँ कि कंप्लीट है या नहीं है। सो गाइज मैंने अभी आंवला भी खाया है जो कि मेरे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। प्लीज़ थोड़ा मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब है, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये है आंवला और ये अभी मैंने बॉयल मतलब स्टीम करके मैंने फ्रिज में रखे हुए हैं बहुत सारे, ताकि मुझे डेली उठकर स्टीम ना करना पड़े। और इसको मैं सुबह जैसे गर्म पानी किया मैंने और ऐसे कटोरी में लिया और उसमें गर्म पानी डाल दिया। गर्म पानी डालने से क्या होगा कि ये जो ठंडा होगा फ्रिज में रखा है तो ये ठंडा नहीं रहेगा, ना गर्म हो जाएगा ये भी, और इसको आप गर्म इतना गर्म नहीं होगा कि आप खा नहीं सकते, नॉर्मल रहेगा ये, तो आप इसको भी खा सकते हैं, ये जो कि आपकी विटामिन सी की जो कमी है उसको भी पूरा करेगा और आपकी स्किन को भी अच्छा करेगा, आपकी जो जुकाम और इन सब चीज़ों में भी बहुत फ़र्क लगेगा, और सबसे बड़ी बात आपके जो बालों की ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी होगी। और जो इसमें जो पानी आप डालेंगे उस पानी को भी आप पी सकते हैं। फिलहाल तो मैं ये ले रही हूँ और आगे जो दिन में मैं लूँगी वो भी दिखाऊँगी, और उसके बाद इसमें भी गर्म पानी मतलब गर्म पानी डाल के मैंने लिया है, और उसके बाद अब मैं दिन में नॉर्मल थोड़ा जो खाना होता है वही खाऊंगी, घर का खाना, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी, मैं सब कुछ खाऊंगी लेकिन नॉर्मल खाना खाऊंगी घर का, दैट्स इट। सो गाइज मैं अभी पहले कर रही हूँ पर्दे चेंज और उसके बाद मैं कबीर की बुक्स का काम करूँगी। तो ये देखिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, सारे में पर्दे रखे हुए अभी, और अभी कुछ पर्दे पॉइंट में हैं पॉलीबैग्स में, और इनको मैं अभी चेंज करूँगी फिर उसके बाद दिखाऊंगी। ये वाला है ऐसे और अभी चेंज करने के बाद दिखाऊंगी। ये वाले कर्टेंस हैं अभी भी इधर पे भी, तो ये वाले आ जाएंगे ब्लू वाले। गाइज ये देखिए ये कर्टेन्स अभी काफ़ी दिन से टांगे हुए थे मैंने, और ये मुझे चेंज करने हैं अभी, तो मैं इसको भी चेंज कर दूंगी, यहाँ के भी चेंज करने हैं, तो ये मैंने अभी ये सीढ़ी लगा ली है
और ये देखिए यहाँ पर सारे पर्दे रखे हुए हैं। ये देखिए गाइस यहाँ पर रखे हुए पर्दे, और मैं ये वाले और ये ब्राउन है, ये दोनों को देख के हम किस तरीके से टांगेंगे और दिखाकर मैं आपको वीडियो में जरूर शेयर करूंगी कैसे टांगे मैंने और क्या लुक आ रही है टांगने के बाद। देखो कहाँ चढ़ गया ये लड़का ऊपर, क्या कर रहे हो ऊपर चढ़ के? पंखा साफ कर रहे हो? आपका तो हाथ पहुंचेगा ही नहीं, लेकिन नीचे उतर जाओ। चलो उतरो नीचे, आपको चोट लग जाएगी, नीचे उतरो। आओ आप मुझसे बड़े हो गए हो। ओके मैं देखो कितनी छोटी, मैं कबीर मुझसे बड़ा हो गया है, मैं छोटी हो गई। देखो फ्रेंड्स कबीर मुझसे बड़ा हो गया है, मैं छोटी हो गई कबीर से, कबीर हूँ मैं छोटी हो गई। कबीरू मम्मा, कबीरू मैं मम्मा, कबीरू मम्मा। अब कबीर छोटा हो गया? नहीं पापा आप उतरो नीचे, आप तोड़ दोगे उसको। ये देखो क्या कर रहा है पापा। रुको पापा मैं करती हूँ, देखो मैं क्या देख रहा हूँ। गाइस मैं एकदम ऊपर आ गई हूँ, मजा आ रहा है। पापा हेलो। नहीं आपने कील यहाँ पे ठोकी थी ना ऐसे टेढ़ी करके, तो वो निकल गई है। ओके ये गया नीचे, ये गया तू। ये बीच वाला मैसी है, मैसी बीच वाला। और रोनाल्डो कौन सा है? नुराल्डो नहीं है, वो 7 का होता है, ये तो 29 है। नहीं 23 है ये रेड वाला। अच्छा फ्रेंड्स आज हमारा लंच ये है अभी फिलहाल, इतने सारे मैगी के पैकेट और ये बन रही है, और मैगी बना रहा हूँ आज शेफ हूँ मैं, और आज मैगी बना रहा हूँ मैं। ओके ये देखो कबीर मैगी बना रहे है, बस उसको छोड़ दो। तोड़ू? नहीं छोड़ दो, वो अपने आप जब हो जाएगी ना मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट नहीं होगा, अरे मेल्ट होगा मैगी, जब मैगी तो वो सॉफ्ट हो जाती है। हाँ सॉफ्ट हो जाती है, मेल्ट नहीं होता। तोड़ो इसको, बस तोड़ो। चार है ना बोलो। मैं कबीर की असिस्टेंट हूँ, मैं कबीर की हेल्प कर रही हूँ, शेफ कबीर गिरा। एक मिनट रुको, लो मैं हूँ कबीर की असिस्टेंट, शेफ कबीर गिरा की असिस्टेंट, और ये मैं कर रही हूँ मिक्स कर रही हूँ मैं इसको, और मम्मी मेरी मैगी बना रही है अभी। बंद कर दो अभी फ्रेंड्स, अभी मैं बना रही हूँ मैगी, पर्दे मैंने सारे चेंज कर दिए हैं, मैं अभी आपको अभी दिखाती हूँ आपको। और अभी हमने मतलब मम्मी ने लिए हैं कुछ प्लांट्स लिए हैं, न्यू प्लांट्स बिल्कुल, अभी वो थोड़े से हल्के हल्के बुझे हुए हैं क्योंकि धूप में लेके घूमते हैं ना वो जो बेचने वाले होते हैं, तो मैं भी दिखाती हूँ। ये प्लांट्स लिए हैं, आई थिंक ये वाला तो इंडोर प्लांट है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी इनको हम अच्छे से जहाँ पर प्लेस करना है वो करेंगे। ये देखिए कर्टेन्स मैंने चेंज कर दिए हैं, और इधर भी चेंज कर दिया है। इस वाले को अभी मुझे थोड़ा सेट करना है क्योंकि वो विंडो है और इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, तो इसको मुझे थोड़ा सेट करना है। बाकी ये देखिए ये पूरा चेंज कर दिया है, और ये देखिए कबीर यहाँ बार बार चेक कर रहे हैं मैगी। एक मिनट में चेक करती हूँ, इसको ढक दो ना, स्टीम में ज़्यादा अच्छी पकती है। इसको ढक दो, अभी दो मिनट के लिए ढक दो, ये कहने की बात होती है कि मैगी दो मिनट में बनती है, कोई दो मिनट में नहीं बनती, एटलीस्ट इसको 5 मिनट्स को लगती है, और 10 मिनट्स अगर
अभी आपको थोड़ा मेरा बैकग्राउंड चेंज लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर पहले दूसरे कर्टेंस थे और अभी दूसरे हैं, तो आई थिंक थोड़ा चेंज होना चाहिए। और अभी फ़िलहाल मैंने कबीर की बुक्स अभी कोई चेक नहीं किया है, अभी चेक मैं करूँगी। और हाँ, मेरी जो डाइट थी मैं वो पूरी फॉलो कर रही हूँ अभी भी। सुबह से मैंने जस्ट अभी खीरा खाया है और थोड़ी सी चाय ली थी, थोड़ी सी, क्योंकि एकदम से हैबिट नहीं छूटती तो इसलिए थोड़ी सी ली थी। और अभी क्योंकि काम कर रहे थे तो खाना बनाने का टाइम नहीं मिला तो इसलिए मैगी बना रहे हैं। मैंने भी मतलब देखा तो है बट मैं वो सोचती थी कि किस कैसे होता है, क्या होता है, ये नींबू का बीज होता है क्या होता है। आप भी फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके बताना कि ये नींबू के बीज से होता है या फिर नींबू वाली घास होती है या कुछ और होता है। नहीं क्योंकि मुझे सच में पता नहीं है मुझे। फ्रेंड्स मेरी ये मैगी बन चुकी है, देखिए ये सर फ्रेंड्स क्या हुआ ना, मुझे लगा कि कबीर है और चेयर की इधर खींचने खींचने की आवाज़ आ रही थी और लेकिन वो थे पापा और कबीर को बोलती हूँ और इधर करो और उधर करो और खींचो सब मारी इधर उधर, तो पापा बोल रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ और कबीर बोल रहे हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, है ना कबीर? हाँ। मम्मा ने अच्छी डांट दिया कबीर को। लाइट्स का थोड़ा सा अच्छी बनी है, पसंद नहीं है ये, मेरी पसंद आपका ना, मैगी पसंद है फिर भी अच्छा टेस्टी होता है। तो अच्छा सोच रहा हूँ, वो ही दादा थी भूल गया, ठीक से बोलो ना, वो मेरे सुपारी नहीं हो रही, भूल गया, वो ही दादा थी, मेरे को भूल गया। कोई बात नहीं, आप जो ले रही है वो ही मिलेगा। मैं टेबल साफ कर रही हूँ, बहुत गंदी हो गई थी, ये देखो स्क्रैचेस पड़ गए हैं इसीलिए ये क्लियर नहीं है, बहुत ज्यादा ही स्क्रैचेस पड़ गए हैं इसके। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा मौसम हो रहा है यार, बारिश का मौसम हो गया है बहुत अच्छा और धूप भी चली गई है, उतनी गर्मी भी नहीं लग रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है मौसम देखकर, हवा भी चल रही है थोड़ी थोड़ी। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ इन ब्यूटीफुल फ्लावर्स के साथ। और जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।